अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है यूपी पावर कॉर्पोरेशन भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्टियों को हटाए जाने पर विवाद है और यूपीपीसीएल ट्रस्ट चेयरमैन ने दो कार्मिक ट्रस्टियों को बाहर किया है। कार्मिक ट्रस्टी जयप्रकाश और चंद्रभूषण उपाध्याय हटाए गए हैं और चेयरमैन ने बीना दयाल और विकास उपाध्याय को ट्रस्टी नामित किया है। निर्वाचित कार्मिक ट्रस्टियों ने हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं और यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा ट्रस्ट में जमा होता है। यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले के दौरान भी ट्रस्ट पर सवाल उठे थे और ट्रस्ट के जरिए ही डीएचएफएल में निवेश की गई थी 2200 करोड़ की राशि। ज्यादा जानकारी इस पर संदीप देंगे। संदीप, ट्रस्टियों को हटाए जाने के पीछे क्या वजह और क्यों ये विवाद बढ़ रहा है? तो संदीप तक मेरी आवाज नहीं जा रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं। तो फिर सुर्खियों में छाया हुआ है यूपी पावर कॉर्पोरेशन भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपीपीसीएल की अगर बात करें तो इसमें सीपीएफ ट्रस्टियों को हटाए जाने पर विवाद और बढ़ गया है और यूपीपीसीएल ट्रस्ट चेयरमैन ने दो कार्मिक ट्रस्टियों को बाहर किया है। तो कार्मिक ट्रस्टी जयप्रकाश और चंद्रभूषण उपाध्याय हटाए गए हैं, चेयरमैन ने बीना दयाल और विकास उपाध्याय को ट्रस्टी नामित किया है। तो निर्वाचित कार्मिक ट्रस्टियों ने हटाए जाने पे गंभीर सवाल उठाए हैं और यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा ट्रस्ट में जमा होता है और यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले के दौरान भी ट्रस्ट पर सवाल उठे थे। तो यूपीपीसीएल ट्रस्ट के जरिए ही डीएचएफएल में निवेश की गई थी 2200 करोड़ की राशि। तो एक बार फिर सुर्खियों में है यूपीपीसीएल, सीपीएफ और ट्रस्टियों को हटाए जाने पर विवाद और बढ़ रहा है, विवाद लगातार गर्माने लगा है। चेयरमैन ने दो कार्मिक ट्रस्टियों को बाहर किया है और कार्मिक ट्रस्टी जयप्रकाश और चंद्रभूषण उपाध्याय को हटाया गया है। तो निर्वाचित कार्मिक ट्रस्टियों ने हटाए जाने पे गंभीर सवाल उठाए हैं और यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा ट्रस्ट में जमा होता है और यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाले के दौरान भी ट्रस्ट पर सवाल उठे थे और यूपीपीसीएल ट्रस्ट के जरिए ही डीएचएफएल में निवेश की गई थी 2200 करोड़ रुपए की राशि। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पे। एसके वाजपेयी, यूपीपीसीएल और पीएफ, जो यूपीपीसीएल और सीपीएफ ट्रस्टियों को बाहर किया गया है दो लोगों को, क्या उसकी वजह रही और ये विवाद कैसे बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ट्रस्ट है जो कि सीएफएफ सीपीएफ मतलब तो भविष्य निधि होती है, जो कर्मचारियों की नौकरी के दौरान उनका पैसा सरकार काटती है, उनको उनके भविष्य निधि खाते में जमा करती है और रिटायर होने के बाद ये पैसा उनको दिया जाता है। उसको चलाने के लिए बाकायदा 6 सदस्यीय ट्रस्ट होता है जिसमें 6 ट्रस्टी होते हैं, 3 कर्मचारियों के द्वारा चुने जाते हैं और 3 को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से तैनात किया जाता है, जिसका चेयरमैन भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ही चेयरमैन होता है। हालांकि पूरे मामले में 2 ऐसे निर्वाचित ट्रस्टी थे जिसमें एक जयप्रकाश सिंह है, दूसरे उपाध्याय हैं, जिनको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन की तरफ से हटा दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और दोनों हटाए गए ट्रस्टियों ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पहले भी ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठे थे, जो बड़ा पावर कॉर्पोरेशन का एक पीएफ घोटाला हुआ था उसमें भी ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध थी क्योंकि पूरा पैसा इसी ट्रस्ट में जमा होता है। ऐसी स्थिति में अगर ट्रस्टियों को नियम विरुद्ध, जो नियमावली कहती है, उसके विरुद्ध जाकर हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं आने वाले समय में भी उस तरीके की घटनाएं हो सकती है। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि हमने नियमों का पालन किया है, क्योंकि अब हटाए गए ट्रस्टियों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को पत्र भी लिख दिया है, पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ दोनों ट्रस्टियों ने अपने हटाए जाने को आदेश को वापस लेने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस पत्र के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इन ट्रस्टियों के हटाए जाने के आदेश पर क्या निर्णय लेते हैं।
ठीक है, एसके वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।